हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज हमारे किचन में बन रहा है वो बेसन वाली भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भिंडी को ये लंबे लंबे हाफ हाफ ऐसे कट कर लिया है स्लाइस में, और इधर मैंने पैन रख दिया है गरम होने के लिए। अभी गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, कोई भी सब्ज़ी। तो यहाँ तेल को अच्छे से फैला लेंगे पूरे पैन में, ताकि जो हमारा मसाला है या फिर जो भिंडी है वो चिपकेगा नहीं पैन के अंदर। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा चटक गया है तो मैंने अभी डाला है हरी मिर्च, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। तो इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले, जैसे कि लाल मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर। मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में अभी धनिया पाउडर कम ही लोग खाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है स्वाद। मैं डालती हूँ पर कभी कभी। तो यहाँ देखिए, मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे बेसन एक चम्मच। देखिए यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है। अब बेसन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, और भुन जाने के बाद इसे फिर हम सब्ज़ियाँ डालेंगे इसमें। और अभी मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि नमक डालने पे ऐसे भिंडी जब डालेंगे तो पानी पानी हो जाएगा, तो ऐसे लिबलिबी सी हो जाती है पानी, जैसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बेसन जब अच्छे से भुन जाएगा, और जब आप बेसन डालें तो उसे अच्छे से चलाते रहिए, वरना बेसन जो है ना वो नीचे से चिपकने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भिंडी कैसे कट किया है ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में, और हाफ हाफ कर लिया है। जो थोड़ी छोटी भिंडी थी उसको बस ऐसे ही सिंगल आगे पीछे की डंडी निकाल के उसको ऐसे ही कट कर दिया है, और जो थोड़ी लंबी थी उसमें से मैंने दो भाग किया है, दो पीस। तो यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी भी डाल दी थी, और अभी नमक नहीं डाला है मैंने, उसे अच्छे से ऐसे ही भूनूंगी। और जब गल जाएगा भिंडी फिर मैं उसमें नमक डालूंगी। तो ऐसे ही आपको, और चलाना नहीं होता है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि जब भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा चलाएंगे ना तब ये जो है वो लिक्विड फॉर्म जो है भिंडी के अंदर का वो निकलने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भिंडी मेरी गल गई थी, और कलर भी ऐसे ही सेम है, कलर में कोई चेंज नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि काला नहीं हुआ है, ऐसे गल जाने के बाद सब्ज़ी जब बन जाती है तो काला हो जाता है, तो मतलब उतना अच्छा कलर नहीं लगता है। और यहाँ पे मेरी भिंडी इतनी परफेक्ट बनी है कि इसका कलर जो का तो है, इसमें हरी हरी दिख रही है, लेकिन वो अच्छे से पक गया है, ऐसा नहीं है कि कच्चा है। तो अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे, और ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगी थी, सबको टेस्टी लगी थी। बच्चे नहीं खाते हैं मेरे घर में भिंडी, वो मतलब बेटी खाती है लेकिन वो छोटी छोटी बिल्कुल जो ऑयल में फ्राई हो जाता है ना कुरकुरी सी, वो पसंद करती है, वैसे नहीं खाती है। लेकिन मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छे से खाया, मेरे बेटे ने भी खाया। छोटे बच्चों को ऐसे सब्ज़ियाँ कम ही पसंद होती है, लेकिन बेटे ने भी खाया, दोनों बच्चों ने खाया मेरे, कुल मिला के ये है। और जब बच्चे खाते हैं ना तो आपका कुछ भी बनाओ वो स्वार्थ हो जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है जब बच्चे और आपके हस्बैंड जब खा ले मन से खाना। तो घर में सब ने बहुत पसंद किया इस भिंडी की सब्ज़ी को, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन के तैयार था। तो ये रही दाल, और ये रोटी चावल, और ये भिंडी की सब्ज़ी। तो अभी मैं अपनी सास को खाना दे देती हूँ, फिर हम बाद में खाएंगे।